Hello students today we are going to discuss the story the fun they had written by isaac asimov but before we proceed the chapter i want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video Before start the chapter, take a quick introduction of this story. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. The setting of the story is in the future. When maybe there are no schools, no books. Now, how those children will miss the school and they feel that their ancestors, that is the present generation, it means

मार्गी के ग्रादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रांड ने उन्हें बताया था कि जब वो छोटे थे तो सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी वो पेजेस को टर्न करते थे जो कि येलो कलर के बूढ़े होते थे मार्गी के लिए तो बहुत ज्यादा हंसने वाली बात थी ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो एक ही जगह पर हो उसके अकॉर्डिंग तो उन वर्ड्स को मूव होना चाहिए था जैसे उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर होते थे लेकिन जब भी पेजेस को पलटो तो सारी वर्ड्स वही के वही रहते थे ये तो समय की बर्बादी है मुझे तो लगता है कि जब आप इस बुक को पूरा पढ़ लोगे तो फेंक दोगे जबकि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स पड़ी हैं और हम उन्हें सेव कर सकते हैं इससे ज्यादा भी और हमें उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता हम्म मेरे साथ भी ऐसा ही है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बहुत सारी बुक्स सेव है मार्के ग्यारह साल की है और टॉमी तेरह साल का इसलिए के पास मार्गी से बुक्स का कलेक्शन ज्यादा है तुमको ये बुक पर। किस बारे में है ये बुक? स्कूल। स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने वाला क्या है आई हेट स्कूल और अब तो मुझे स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत हो गई है मार्गी का स्कूल कभी भी नहीं अच्छा लगता था और अब तो उसको स्कूल से और भी नफरत हो गई थी बच्चों उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी में उसका परफॉर्मेंस नीचे हो गया था उसकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही थी और इसीलिए उसकी मदर ने उसके मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था जो कि शायद मशीन बनाता था काउंटी इंस्पेक्टर वो गोल मुंह वाला आदमी था जिसका फेस रेड था उसके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स टाइल्स और कुछ वायर्स थे वो मार्की को देखकर कर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है कुछ ही देर में वो मार्की के टीचर के पार्ट्स को अलग कर देता है मार्की चाह रही थी कि इंस्पेक्टर उस टीचर को दोबारा ना जोड़ पाए लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो जानता था कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है विदिन वन आवर वो मैकेनिकल टीचर को फिर से तैयार कर देता है बड़ा सा ब्लैक कलर का रोबोटिक टीचर देखने में अच्छा नहीं लगता था उसकी बिग स्क्रीन थी जिसपे क्वेश्चन आते थे लेकिन उसमें कुछ खास बुराई नहीं थी मार्गी को सबसे ज्यादा जो हेट थी उसके उस स्लॉट से थी जहां पर वो होमवर्क डालती थी क्योंकि उसे में लिखना होता था ये वो साल से सीख रही थी और उसी से टीचर बिना टाइम बताए उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था जब इंस्पेक्टर ने अपना काम कर लिया तो वो मुस्कुरा कर मार्गी के सर पर थपथपाता है और उसकी माँ से कहता है मिसेस <laughs> जोन्स इस पे छोटी बच्ची की गलती नहीं है ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा तेज हो गया था मार्जी 11 साल की थी ज्योग्राफी का सेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर ने 10 लेवल पर सेट कर दिया था क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी यानी कि उसकी एज से वन ईयर बैक उसने उस टीचर को सेट कर दिया था जिससे उसको चीजें थोड़ी आसान मिलेंगी और इस तरह से उसने उसके सर को फिर से थपथपाया ताकि उसको अच्छा फील हो सके मार्गी डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो पाए वह चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाए एक बार उसको ऐसे ही ब्लेसिंग मिली थी कि उसका मैकेनिकल टीचर वन मंथ के लिए चला गया था क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैक हो गया था और इसीलिए मार्गी ने टॉमी से आज बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा टॉमी मार्गी को सुपीर राइज से देखता है क्योंकि इस समय टॉमी के पास मार्गी से सबसे ज़्यादा नॉलेज थी वो हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं थे स्ट्यूपेट ये पुराने टाइप्स के स्कूल थे जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे सेंचुरीज है इस समय टॉमी के बोलने के स्टाइल में थोड़ा सा घमंड दिख रहा था क्योंकि उसके पास मार्गी से ज़्यादा नॉलेज थी उसके इस बिहेवियर से मार्गी को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है लेकिन फिर भी वो इन सबको अवॉइड करती है और टॉमी के कंधे के पास जाकर पीछे से उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है खैर उनके पास क्या कोई टीचर भी था हाँ था तो पर वो रेगुलर टीचर की तरह नहीं था वो एक आदमी था एक आदमी एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है वो लड़के और लड़कियों को समझाते थे उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरे फादर भी उतने स्मार्ट है जितना कि मेरे टीचर मार टॉमी से बहस नहीं करना चाहती थी मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर आने नहीं दे सकती पढ़ाने के लिए <laughs> तुम्हें कुछ आता तो है नहीं मार्गी टीचर घर में नहीं आते थे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सब बच्चों को वहीं पढ़ने जाना होता था सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़ाई जाती थी पर मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है और बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है यही काम तो उस समय के लोग नहीं नहीं करते थे और अगर तुम्हें तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बुक रीड करने की कोई जरूरत नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छी नहीं लग रही अब मार्गी को उन फनी स्कूल्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी वो दोनों हार्डली आधी बुक ही फिनिश कर पाए थे कि तभी आवाज आती है मार्गी स्कूल दोनों ने ऊपर देखा नॉट येट मामा अभी नहीं नहीं अभी और टॉमी का भी समय हो गया जाने का क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को थोड़ा और रीड कर सकती हूँ? ठीक है कर लेना और इस तरह से टॉमी उस बुक को अपनी बाजू में दबाकर वहां से सीटी बजाते हुए चला जाता है मार्गी अपने स्कूल रूम जाती है वो स्कूल रूम उसके बेडरूम के बगल में था

मार्के अपने होमवर्क होमवर्क वाले स्लॉट में डालती है और इस समय भी वो उन स्कूल के बारे में सोच रही थी जो कि उसके फोर फोर फादर के टाइम पे हुआ करते थे वो सोच रही थी कि के हुआ करते थे कि जब आस पास के सभी बच्चे एक ही बिल्डिंग में आकर पढ़ते थे खेलते थे कूदते थे और एक साथ होमवर्क करते थे उन सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती थी वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते थे उनके होमवर्क में और उनसे होमवर्क का डिस्कशन भी किया जा सकता था और तो और टीचर ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे उसका मैकेनिकल टीचर लेसन डिस्प्ले कर रहा था स्क्रीन पर मार्की अभी भी उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो कि पुराने स्कूल्स में हुआ करते थे और वो इमेजिन करती है कि वो लोग कितना फन करते होंगे एक साथ और यहीं से हमारे इस चैप्टर का टाइटल भी पड़ा द फन दे हैड आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा इफ यू लाइक द चैप्टर देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू